ये केमिकल एफडीए अप्रूव है, ये यूएस एफडीए से अप्रूव है। इसको एनएमसी पे डाल दूं, ये केमिकल इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं सारे बिल भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा सहित तेजिंदर बग्गा के खिलाफ दिल्ली के जल बोर्ड अधिकारी ने की पुलिस शिकायत। अवैध भाषा और धमकाने का भी लगाया आरोप। वहीं दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी ने यमुना पानी से स्नान कर बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने रविवार को यमुना के पानी से स्नान किया। दरअसल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी और अधिकारी को यमुना में डुबकी लगाने की भी चुनौती दी थी। उधर स्नान करने के बाद जल बोर्ड के अधिकारी ने भाजपा सांसद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। पूरा मामला यमुना की सफाई से जुड़ा है। दरअसल दो दिन पहले भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में यमुना नदी के कालिंदी कुंज का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने एक सरकारी अधिकारी से बदसलूकी की, जिसका वीडियो सामने आया था। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा यमुना में एंटी फॉमिक एजेंट के इस्तेमाल पर खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया। यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। ये केमिकल एफडीए अप्रूव है, ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं। प्रवेश वर्मा ने अधिकारी को डांटते हुए ये भी कहा कि केमिकल क्या तेरे सर पर डाल दूं। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के पहले यमुना नदी की सफाई चल रही थी, इसलिए पानी में झाग खत्म करने के लिए केमिकल के छिड़काव किया जा रहा था, जिस पर सांसद बिफर गए। यहां तक कि प्रवेश वर्मा ने गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके साथ ही एक और वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक स्थानीय युवक ने बीजेपी सांसद को ही नेतागिरी ना करने का सबक दे दिया और सांसद प्रवेश वर्मा से पूछ लिया कि जिस केमिकल का छिड़काव हो रहा है उसका नाम क्या है। उसने कहा कि आपको पता है अगर अधिकारी केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं तो वे अनपढ़ नहीं होंगे, आप लोग सिर्फ नेतागिरी करने आ जाते हैं, इससे पहले आप कहाँ थे। पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं यहाँ पे साफ सफाई करने, कौन आता है सर? कोई नहीं आता, कभी आपको नहीं दिखाई। सर मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यहीं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आ जा पाए हो पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर कोर्ट से क्या करके आया, नेता नहीं बन के काम चलता है। मैं सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स भी आलोचना करते नजर आए। इस पर दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकार राजेश साहू ने ट्वीट करते हुए लिखा, सांसद जी माहौल बनाने के लिए अधिकारियों को डांट रहे थे, एक युवक ने सच्चाई बोलकर पूरा खेल ही पलट दिया, गजब खराब व्यवस्था है यार। तो वहीं पत्रकार दीपक कुमार ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रवेश वर्मा ने मुद्दा सही उठाया लेकिन तरीका गलत है। तो मैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा का यमुना के पानी से स्नान करते हुए वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार राजकुमार मीना ने ट्वीट कर लिखा, आज मीडिया के सामने दिल्ली जल बोर्ड डायरेक्टर संजय शर्मा ने यमुना के पानी से किया स्नान, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने अधिकारी के साथ की थी बदसलूकी, यमुना में डुबकी लगाने की दी थी चुनौती, अधिकारी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज की शिकायत। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने कहा है कि वो माननीय सांसद है, दिल्ली से प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका और मेरा फर्ज जनता हित के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के किनारे काम करते हुए मैंने सांसद प्रवेश वर्मा को बताया कि यमुना नदी में डाला जा रहा केमिकल हानिकारक नहीं है, इस पर उन्होंने मेरे साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सरकारी प्रक्रिया के तहत मैंने कालिंदी कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।